Hello and good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine in your home and happy with your family. So welcome back in our online class, dear students. और संस्कृत सब्जेक्ट जो आपके लिए बिल्कुल एक न्यू सब्जेक्ट है, तो डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है. हम स्लोली स्लोली आराम से संस्कृत को पढ़ेंगे. तो देखिए बेटा, मैंने आपको लास्ट वीक संस्कृत वर्णमाला करवाई थी, ठीक है? संस्कृत वर्णमाला के बाद आज हम पढ़ेंगे हमारा संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर. अब देखिए, फर्स्ट चैप्टर तो नहीं कह सकती मैं, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर बेटा है ना, ये आज आपका कंप्लीट नहीं होने वाला है. मैं पहले बता देती हूँ, ये आपके नेक्स्ट क्लास तक भी चलेगा. क्यों, रीजन बताती हूँ. देखिए, संस्कृत आपके लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है, ठीक है? और जब तक आप संस्कृत की ग्रामर को नहीं समझेंगे, उसके बेस को नहीं समझेंगे, तब तक आपके लिए ये संस्कृत लैंग्वेज बहुत टफ होने वाली है कि मैम ये क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, आज मैं बता देती हूँ आपको. देखिए, इस फर्स्ट चैप्टर में आपको, पहले मैं आपको आज से ग्रामर करवाऊंगी, ठीक है? बस सिर्फ समझा रही हूँ फर्स्ट चैप्टर में क्या है, और इसी को हम पढ़ेंगे. फिर नेक्स्ट में जब आप ग्रामर पढ़ेंगे ना, तब आपको इजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो इसमें एक तो देखो, स दे रखा है, शुरू करते हैं आज की क्लास. ग्रामर है, बहुत अच्छे से आप धीरे धीरे सीखना, बहुत इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक है? देखिए बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको ग्रामर में एक बेसिक नॉलेज दे देती हूँ कि हमारे संस्कृत में सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप हिंदी का देखिए कि हिंदी में आपके कितने वचन होते हैं. पहले तो मुझे ये बताइए, कितने वचन होते हैं हिंदी में? दो वचन होते हैं, ओके? एक वचन और बहुवचन. बट संस्कृत लैंग्वेज में हमारे पास कितने वचन होते हैं बेटा? तीन वचन होते हैं. कितने वचन होते हैं? तीन. अब देखिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ, ठीक है? संस्कृत में तीन वचन, ठीक है? तीन वचन. पहला है हमारा एक वचन, यानी वन वचन, ठीक है? फिर आता है आपका ये यहाँ पे मैं लिखती हूँ बहुवचन, जो आप हिंदी में आपके होता है ना, एक वचन और सीधा बहुवचन. अगर हिंदी में एक पर्सन को छोड़कर दो पर्सन भी होते तो बहुवचन भी होता है, बट संस्कृत में ऐसा नहीं है. संस्कृत में क्या होता है बेटा, देखिए ध्यान से यहाँ पर, अगर एक पर्सन होता है तो एक वचन का यूज होता है, ठीक है? और अगर दो पर्सन होते हैं तो वहां पर किसका यूज होता है? द्विवचन का. किसका यूज होता है? द्विवचन, टू पर्सन, ठीक है? टू पर्सन. और मोर देन, यहाँ पे क्या लिखती मैं? मोर देन टू, ठीक है? आपको थोड़ा इंग्लिश से लिख लूँ ताकि समझ में आ जाए आपको, प्योर संस्कृत लिखूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? समझा नहीं सर. तो एक अगर पर्सन होगा तो वहां पर एक वचन का यूज होगा, जो दो पर्सन होंगे तो वहां पर टू पर्सन होंगे तो वहां पर द्विवचन का यूज होगा. ये संस्कृत में नया है, इसलिए थोड़ा प्रेशर दे समझा रही हूँ. टू पर्सन होंगे तो द्विवचन का यूज होगा, और अगर दो से ज्यादा हो गए, दूसरे से कितने भी हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, सौ हो सकते हैं, हजार हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं, ठीक है? तो मोर देन टू पर्सन जहां पर होते हैं वहां पे बहुवचन का प्रयोग किया जाता है. इसके अलावा अब देखिए यहाँ पर लिंग. अब हम बात करते हैं संस्कृत में लिंग. अब पहले तो हम हिंदी से कंपेयर करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है? अब देखिए बताइए, लिंग जो शब्द पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध करवाते हैं उन्हें हम लिंग कहते हैं. डेफिनेशन छोड़ो, हमें डेफिनेशन का कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, हमें तो सिर्फ ये समझना है कि मैम लिंग कितने होते हैं संस्कृत में. हिंदी में कितने लिंग होते हैं? दो लिंग होते हैं. पुरुष जाति का जो बोध करवाता है उसको पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्री जाति का जो बोध करवाता है उसको हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ना, दो लिंग है हमारे पास हिंदी में, परंतु संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? तीन लिंग. जैसे संस्कृत में वचन तीन होते हैं, वैसे लिंग कितने होते हैं? तीन लिंग होते हैं. देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताती हूँ. देखिए, पुरुष जाति का बोध करवाने वाले होते हैं ना, उसको कहते हैं पुल्लिंग. क्या कहते हैं? पुल्लिंग. ध्यान से देखिएगा बेटा, बार बार मैं आपको ये सब समझाने नहीं होगी, फिर मैं बार बार बोल दी पुल्लिंग. तो पुल्लिंग का मतलब भी तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि मैं पुल्लिंग क्या, यानी कि जो पुरुष जाति का बोध करवाता है, यानी हमको पता चल गया कि वहां पर पुरुष है, लड़की नहीं है, लड़का है, ठीक है? औरत नहीं है, आदमी है, ठीक है? तो पुरुष जाति क्या हो गया बेटा? पुरुष जाति, ठीक है? फिर स्त्री
ले। अब बताइए मैम न्यू कौन सा है, अब बताइए न्यू कौन सा है। अब यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तो हमको पता है, हिंदी में भी आते हैं। अब न्यू क्या, अब न्यू देखिए ये है आपके नपुंसकलिंग, क्या बोलते हैं इसको, नपुंसकलिंग, क्या बोलते हैं नपुंसकलिंग, यानी नपुंसकलिंग का यूज कहाँ होता है मैम ये क्या है, ठीक है। तो नपुंसकलिंग देखिए बेटा आपके देखो आपने आस पास क्या होता है कि पुरुष होते हैं स्त्री होती है, यानी लड़का होता है लड़की होती है, इसके अलावा भी आपके आसपास ढेरों सारी चीजें होती है, होती कि नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग्स कितने होते हैं हमारे पास, लाइक बोर्ड चॉक टेबल डस्टर वॉटर टिफिन फैन लाइट एवरीथिंग, है ना, बहुत सारी चीजें होती है जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है। तो यहाँ पर मैं एक शब्द लिख लेती हूँ नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपके नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि नपुंसकलिंग का यूज किस में होता है, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स आप जानते हो जो श्वसन क्रिया नहीं करते हैं, निर्जीव वस्तु जितनी होती है उन सबके लिए किस में यूज होगा आपके नपुंसकलिंग का, एक अलग नहीं होगा, नपुंसकलिंग का यूज होगा वहां पर, फिर आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का यूज नहीं करना है, नपुंसकलिंग का यूज करना है, ठीक है बेटा। तो ये देखिए पहले तो वचन पढ़ लिया हमने, फिर हमने लिंग पढ़ लिया, ठीक है। तो इन दोनों के अलावा अब मैं अब और बीच में क्या होगा तो मैं यहाँ लिख लेती ताकि आपको थोड़ा सामने से याद रहेगा। देखिए एक है ना पुरुष होते हैं संस्कृत में, कितने पुरुष होते हैं, तीन पुरुष होते हैं, कितने होते हैं, तीन पुरुष। पुरुष का मतलब क्या होता है बेटा, पर्सन, पर्सन क्या मतलब होता है, पर्सन, है ना, पुरुष का मतलब कोई आदमी नहीं, पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ओके। ये तो आप इंग्लिश में भी पढ़ते हुए आ रहे होंगे ग्रामर में, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो ये तो पर्सन में संस्कृत में कैसे होंगे, ये देखिए जो पहला पर्सन होता है ना बेटा उसको बोलते हैं पहला मतलब थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन को बोलते हैं प्रथम पुरुष, क्या बोलते हैं, प्रथम पुरुष, ये होता है आपका थर्ड पर्सन, ठीक है, प्रथम पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन, ठीक है, याद रखना बेटा। उसके बाद में एक होता है दूसरा होता है मध्यम पुरुष, क्या होता है बेटा, मध्यम पुरुष, इसको बोलते हैं हम सेकंड पर्सन, क्या बोलते हैं, सेकंड पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन। देन थर्ड यहां पर आता है आपके उत्तम पुरुष, क्या आता है, उत्तम पुरुष, ये होता है आपका फर्स्ट पर्सन, है ना, ये होता है आपका फर्स्ट पर्सन। देखिए प्रथम पुरुष का मतलब होता है थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन किसी को कहते हैं, न तो मैं न आप, जब हम दोनों एक किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं ना जो यहाँ पर मौजूद भी नहीं है, हम किसी और के बारे में बात करते हैं तो वो होता है थर्ड पर्सन, तो उसके लिए प्रयोग होता है प्रथम पुरुष, ठीक है। मध्यम पुरुष का मतलब सेकंड पर्सन। अब देखिए हम दोनों हैं, थर्ड पर्सन तो हो गया प्रथम पुरुष, अब हम दोनों बच्चे हैं तो हम दोनों में से आप क्या है, अगर मैं बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हो तो आप हो सेकंड पर्सन, यानी कि तुम, ठीक है। अब देखो लास्ट है उत्तम पुरुष, अब वह हो गया तुम हो गए बचपन गया मैं बच गई, यानी कि फर्स्ट पर्सन कौन हो गई, मैं हो गई, है ना, फर्स्ट पर्सन कौन हो गई, मैं हो गई। तो थर्ड पर्सन, ठीक है, आप सेकंड पर्सन और मैं फर्स्ट पर्सन, इस तरह से तीन पर्सन होते हैं। तीन पर्सन तो आप इंग्लिश में भी जानते हो, इंग्लिश में भी पढ़ा हुआ होगा ग्रामर में, ठीक है, तीन पर्सन होते हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर मैं यहाँ थोड़ा सा ये हटा देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि पर्सन, देखिए थोड़ा सा पर्सन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो प्रथम पुरुष है ना बेटा, है ना, मैं ऐसे पढ़ता हूँ, देखिए इसमें कौन कौन शब्द आता है, देखो वह वे सब, ठीक है, ओके। उसके बाद में मध्यम पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं, ये भी आता है ये सब, ठीक है। मध्यम पुरुष में तुम दोनों और तुम सब, ये आते हैं आपके सेकंड पर्सन। उसके बाद आपके उत्तम पुरुष मैं कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, देखिए मैं हम दोनों
मध्य में तुम दोनों, तुम सब, उत्तम में मैं, हम दोनों, हम सब। तो ये वर्ड जो है वो उत्तम पुरुष में आए। ठीक है, तो बेटा ये जो है ना संस्कृत का एक क्या पढ़ा रही हूँ मैं आपको आज, बेसिक पढ़ा रही हूँ, बेसिक बिल्कुल स्टार्टिंग से, जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, अगर ये नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप स्टार्टिंग से पढ़ो। स्टार्टिंग से पढ़ोगे ना तो धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना बेटा, आपकी ग्रामर एकदम क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिर आपको बार बार ये कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा नहीं होगी। तो ये आज के चैप्टर का सिर्फ क्या पढ़ाया, मैंने बेस पढ़ाया है। अब मैंने अभी सिर्फ बेस पढ़ाने के बाद में अभी तो मैं आपको स वाला फॉर्मेट और एस वाला फॉर्मेट, दोनों फॉर्मेट पढ़ाने के बाद फिर लेसन की बारी आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, हम लेसन फर्स्ट ही पढ़ रहे हैं, फर्स्ट लेसन स्टार्ट नहीं किया है हम, इस लेसन फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारे ग्रामर को पहले कंप्लीट कर रहे हैं। अगर ग्रामर नहीं सीखी तो आपने कुछ भी नहीं सीखा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं ये सब आपको से बोर्ड पे नहीं, मैं आपको लिख कर और आपको पिक सेंड करूंगी और आपको ऐसे आपकी नोटबुक में उतारना है। उतारने के बाद आपको अच्छे से देखना है बेटा, लर्न करना है, अदरवाइज कुछ भी याद नहीं होने वाला। ठीक है, तो हमारी सेकेंड क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे स वाला फॉर्मेट और एस वाला फॉर्मेट। आफ्टर दैन हम जब फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आने वाला है सब कुछ। ठीक है, आपको ट्रांसलेशन करोगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चिल्ड्रंस टेक केयर, गुड बाय।